हेलो एंड गुड इवनिंग। मैं शलेश आप सभी का आप सभी के परिवार एसएम ट्रांसलेशन पर स्वागत करता हूँ। आप लोग पढ़ रहे हैं सेंटेंसेस स्पोकन एवरीडे, यानी प्रतिदिन बोले जाने वाले वाक्य। तो इंग्लिश में हम लोग ऐसे वाक्यों को सीख रहे हैं बोलना जो कि हम डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं, है ना। तो आज इसका चौथा क्लास है, सोमवार से शुक्रवार इसका टाइम शेड्यूल है, ठीक है, शाम 6 बजे। तो आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आप लोग सभी लोग एक बार क्लास पर जुड़ जाए और क्लास को शेयर कर दें, ठीक है। जब चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। जैसे कि आपको मिल जाए सेंटेंस, हमें चलना चाहिए, हमें जाना चाहिए या चलना चाहिए, ठीक है, हमें चलना चाहिए या हमें जाना चाहिए, इस तरह का मिल जाए तो लेट अस गो, ठीक है। यानी हमें, यहाँ हमें है, हमें चलना चाहिए, हमें जाना चाहिए, तो लेट अस गो, ठीक है, इस प्रकार का। या फिर कह दे मुझे पानी दो, ठीक है, मुझे पानी दो, पानी दो। तो इसको हम लोग कह सकते हैं गिव मी वाटर, ठीक है, गिव मी वाटर, इस प्रकार का, ठीक है, ठीक है, इस प्रकार का। अगर हम कह दें कहाँ जा रहे हो, ठीक है, कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, ठीक है, वेयर आर यू, यहां पर अगर बात करें तुम, ठीक है, अगर कहाँ जा रहे हो ऐसे भी आ जाए या फिर कहाँ तुम जा रहे हो तो वेयर आर यू गोइंग, इस प्रकार का, ठीक है, इस प्रकार का हम लोग बोल सकते हैं, यानी कहाँ जा रहे हो, इस प्रकार का। अगर हम ऐसे आपको वाक्य दे दें, मैं अपने, ठीक है, घर जा रहा हूँ, मैं अपने घर जा रहा हूँ, इस प्रको इसको अगर बोलना रहे तो आप कैसे बोल सकते हैं, इस प्रकार से, ठीक है, आई एम गोइंग टू माई होम, ठीक है, आई एम गोइंग टू माई होम या माइन होम भी कर सकते हैं, यहाँ पर माइन होम, ठीक है, माइन भी हो सकता है, खैर कोई नहीं, माई होम। अब देखिए आप लोग पहले ये जानिए कि किसके साथ अपना की अंग्रेजी क्या होता है, ठीक है। यानी अगर हम बात करें अपना की अंग्रेजी का, यानी हर सब्जेक्ट के साथ अपना का अंग्रेजी क्या क्या हो सकता है, जैसे बात करें मैं, ठीक है, मैं अगर सब्जेक्ट आई है, ठीक है, तो यहाँ अपना का अंग्रेजी हो जाता है अपना का, ठीक है, माई या फिर माइन, ठीक है, इस प्रकार का। अगर बात करें तुम का, ठीक है, तुम मतलब यू, ठीक है, यू, यहाँ पर अपना का हो जाता है अपना का अंग्रेजी योर, ठीक है, इस प्रकार का। हम है, अगर हम है यहाँ पर वी होता है, अगर इसका अपना का अंग्रेजी देखा जाए तो इसका होता है आवर, ठीक है। दे है, यानी वे लोग हैं, वे तो यानी दे मतलब वे, तो यहाँ पर अपना का अंग्रेजी हो जाता है देयर, ठीक है, ठीक है, यानी इस प्रकार की चीजें, ठीक है। वह है, वह अगर लड़का है, ठीक है, वह लड़का है तो अपना का अंग्रेजी यहाँ पर हो जाता है हिज, ठीक है। अगर वह लड़की है, ठीक है, वह अगर लड़की है, ठीक है, सी है, तो यहाँ पर अपना का अंग्रेजी हर हो जाता है, ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, इस प्रकार का चीज, ठीक है। अगर मान लेते अमित, ठीक है, अमित के साथ अपने, अमित अपने घर जा रहा है, तो यहाँ पर अगर अमित का बात हो जाए तो अमित तो लड़का है, तो अमित लड़का है, वहां पर हम लोग क्या करेंगे, अपना का अंग्रेजी हिज लिखेंगे, ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। तो इस प्रकार का, ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए, हम लोग सेंटेंसेस को कवर करें। यानी अगर आई के साथ अपना आता है तो माई या माइन लिखेंगे, तुम के साथ अपना आ रहा है तो योर लिखेंगे, जैसे कि इसी पर आप चर्चा कर देते हैं, ठीक है, ऐसे पहले नोट कर लीजिए, इसी पे चर्चा करते हैं आप, क्योंकि सेंटेंसेस जो होते हैं इंग्लिश अगर आप नहीं बोलते हैं तो मन में एक उलझन सा रहता है कि वो सामने वाले को तो इंग्लिश आ रहा है मुझे नहीं आ रहा है, इस प्रकार की चीज़ें, ठीक है। तो ये चीज़ें ना हो, आप टूटा फूटा ही इंग्लिश बोलना शुरू करते हैं तो आप बेहतर इंग्लिश बोल सकते हैं, ठीक है। हाँ, अगर हम कह दें वह अपना घर साफ कर रही थी,
ठीक है, वह अपना घर साफ कर रही थी, तो यानी थी यानी लड़की, ठीक है, सी वाज, थी वाज, सी वाज, यहाँ पर देखिए क्लीनिंग, ठीक है, क्लीनिंग, अब यहाँ पर अपना घर हो जाएगा, तो हर होम, इस प्रकार का, ठीक है, इस प्रकार का, ठीक है, क्लियर है। अगला देखें, जैसे हम, तुम अपना किताब किताब पढ़ रहे हो, ऐसे आ जाए, ठीक है, तो अपना किताब पढ़ रहे हो, अगर इसका कह दे तो यू आर रीडिंग, ठीक है, यू आर रीडिंग योर बुक, ठीक है, योर बुक, यू आर रीडिंग योर बुक, इस प्रकार की चीजें आपको बोलनी है, ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, सभी लोग एक बार क्लास को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और जो हमारे चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है, तो तुम के साथ अपने की अंग्रेजी योर, यू के साथ योर, ही के साथ हर, माफ कीजिएगा, ही के साथ हिज, सी के साथ हर, इस प्रकार की चीजें, ठीक है, दे के साथ दियर, ये तक ये सब चीजें क्लियर है, क्लियर है सब चीजें, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये जो होता है आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से। हाँ, अगर हम बात करें, तुम यह कर सकते हो, ऐसे कहते नहीं, तुम यह कर सकते हो, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तुम यह कर सकते हो, तो इसका होता है यू कैन डू दिस, ठीक है, यू कैन डू दिस, तुम यह कर सकते हो, या फिर यू कैन डू इट, इस प्रकार से यू कैन डू इट, ठीक है, कुछ भी कहिए, अगर कोई चीज है करना है तो उसको हम लोग इट का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर कुछ सब्जी या कुछ भी बनानी है, दिखाना है कि आप ये कर सकते हैं, तो दिस भी लगा सकते हैं, आपकी मतलब माहौल के हिसाब से, है ना। अगर हम बात करें, मैं दौड़ सकता हूँ, मैं दौड़ सकता हूँ, मैंने मॉडल ऑक्सिलरी वाले एपिसोड क्लासेस में मैंने सब बताया था कि आप कहाँ पर कैन का, कुड का, मे का, माइट का, यू का, यू हैव का, ये सब चीजें मैंने आप सभी को बताया था, ठीक है, तो मैं दौड़ सकता हूँ, इस प्रकार से अगर बात करें तो आई कैन, ठीक है, आई कैन रन, या फिर आई मे रन, कुछ भी आप बोल सकते हैं, तो कैन का मतलब होता है दिखाना, एटीट्यूड, एक प्रकार का एटीट्यूड होता है अंदर कि उसको दिखाना, यानी मैं ये कर सकता हूँ, इस प्रकार का, ठीक है। अगर हम बात करें, आप बैठ सकते हैं, ठीक है, आप बैठ सकते हो, इस प्रकार का, यानी आपकी मर्जी है, अगर मर्जी मर्जी दर्शानी हो तो मे का, नहीं तो कैन का, जबरदस्ती आपको बैठाना है तो कैन का, नहीं तो आपकी अगर इच्छा अनुसार है तो मे का, यू मे सीट, वह यू में सीट, इस प्रकार का, ठीक है, यू में सीट। अगर हम कह दें शोर मत करो, ठीक है, शोर मत करो, तो इसको हो जाएगा डोंट मेक नॉइज, ठीक है, डोंट मेक नॉइज, इस प्रकार की चीजें, देखिए जो इसने भी मैंने जितने भी मैंने सब सेंटेंसेस बताए हैं उसे आप बोलिए, ठीक है, बोलेंगे तभी मन में आपके सेट होगा और आप बोल सकते हैं, ठीक है, शर्माना नहीं है, ऐसे कह दे, हाँ, शर्माइए मत, ठीक है, शर्माइए मत, अगर इसका किया जाए तो डोंट शाई, ठीक है, डोंट शाई, शर्माइए मत, ठीक है, इस प्रकार की चीजें। कैसा लग रहा है आप लोगों को क्लास, अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए वीडियो को, और जो हमारे चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इतना हो गया। और एक देख कवर कर लेते हैं यहाँ पर, अमित अपना खेत, अमित अपना खेत खेत में जा रहा है, इस प्रकार से, ठीक है, अमित अपने खेत में जा रहा है, अपना खेत में जा रहा है, तो अमित, ठीक है, अमित इज गोइंग, ठीक है, अमित इज गोइंग टू, अब किसकी, अपने खेत, अमित लड़का है,
इसलिए हिज, ठीक है, हिज फील्ड, इस प्रकार का, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलो वर्क क्लास को शेयर कर देंगे, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अपना की अंग्रेजी आपको लोगों को याद रखना होगा कि किसके साथ कौन सी अपनी की अंग्रेजी होती है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कह दें, तुम क्यों नहीं बोल रहे हो, ठीक है, तुम क्यों नहीं बोल रहे हो। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, देखिए जब रहे हो, रहा है, ये सब चीज़ें आती हैं, तो आप जानते हैं जय वहाँ लगता है, ठीक है, क्योंकि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का होता है। तो ये क्या हो जाएगा, वाई, ठीक है, वाई, उसके बाद तुम के साथ आर ही आता है, वाई आर यू, ठीक है, नॉट स्पीकिंग, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? नहीं, तुम क्यों नहीं बोल रहे हो, इस प्रकार का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगर हम कह दें कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, वेयर गोइंग, ठीक है, वेयर गोइंग, क्योंकि इसमें तुमको कह रहा है कि, है ना, इस प्रकार की, अगर दर्शाना दूसरे को ही कह रहा है तो वेयर आर यू गोइंग, ठीक है, इस प्रकार से। हालांकि मैंने शुरुआत में इसको कवर कराया, ठीक है, कहाँ जा रहे हो, ठीक। अगर हम कह दें ऐसे, बोलिए मत, ठीक है, बोलिए मत, ठीक है, तो मत जहां पर आए वहां पर डोंट आप लोग लगा सकते हैं, डोंट स्पीक, ठीक है, डोंट स्पीक या डोंट टॉक, डोंट टॉक, ठीक है, टॉक मीन्स भी बात होता है ना, इस प्रकार से। तो ये चीजें कह सकते हैं आप। अगला अगर बात करें, राम आ चुका है, ठीक है, चुका है भी मैंने बताया है, अगर चुका है तो क्रिया की थर्ड फॉर्म ही का इस्तेमाल करते हैं, तो ये जाएगा राम। अब अगर यहाँ पर क्रिया की थर्ड फॉर्म लगानी है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, क्रिया की थर्ड फॉर्म डायरेक्ट भी लगा सकते हैं और या फिर हेल्पिंग वर्ब भी लगा सकते हैं। तो राम हैज केम, ठीक है, राम हैज केम या राम हैज राम केम, इस प्रकार से, ठीक है। तुम भागो, तुम भागो, इस प्रकार का, ठीक है, तुम भागो, इसको कह दें गो, यू गो, इस प्रकार से, यू गो, इस प्रकार से, ठीक है, या फिर तुम जाओ या भागो, इस प्रकार से, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगर हम कह दें मुझे भूख लगी है, ठीक है, मुझे भूख लगी है, तो हम कहेंगे आई एम हैंग्री, आई एम हैंग्री, ठीक है। हैंग्री और एंग्री में फर्क होता है, क्योंकि वहां पर यच रहता है, ठीक है, और हैंग्री में यच रहता है, एंग्री में ए रहता है। मुझे गुस्सा आ रहा है, ऐसे कैसे हैं? मुझे गुस्सा, अगर बात करें, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, इस प्रकार से, ठीक है, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, तो डोंट एंग्री मी, ठीक है, डोंट एंग्री मी, डोंट एंग्री मी, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? सभी लोग क्लास को शेयर एक बार करेंगे और जो हमारे चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जरूर, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर हम कह दें मुझे माफ कर दो, ठीक है, मुझे माफ कर दो, इसको अगर कहना रहे तो फॉरगिव, फॉरगिव मी, ठीक है, फॉरगिव मी मतलब मुझे माफ कर दो, ठीक है, इस प्रकार से, या एक्सक्यूज मी भी कर सकते हैं, एक्सक्यूज मी, ठीक है, एक्सक्यूज मी मतलब क्षमा कीजिए या माफ कीजिए, ठीक है। लेकिन हालांकि सब लोग कहते हैं सो सॉरी, सो सॉरी, इस प्रकार से भी कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन फॉरगिव मी मतलब माफ कर दीजिए, ठीक है, क्षमा कर दीजिए, छोड़ दीजिए, इस प्रकार की चीजें। अगर हम कह दें ऐसे, जाओ, ठीक है, जाओ, इस प्रकार से, जाओ, गो, ठीक है, गो अवे या गो भी कह सकते हैं, ठीक है।
अगर किसी का नाम आ जाए जैसे सरला जा रही है या आ रही है, तो यहाँ पर नाम के अनुसार आप लोग उसको सरला है तो सरला इज, ठीक है, सरला इज गोइंग, ठीक है, या फिर आ रही है तो सरला इज कमिंग, इस प्रकार की चीजें, ठीक है। अगर बात करें मैं बीमार हूँ, ठीक है, तो जाएगा आई एम इलनेस, ठीक है, इलनेस इलनेस, ठीक है, या फिर कह दूँ नहीं मैं नहीं, नहीं मैं नहीं, इस प्रकार से बोलना रहे तो नो, आई एम नॉट, आई एम नॉट, ठीक है, इस प्रकार से आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, क्लास को शेयर कर दीजिए आप लोग जल्दी से। अगर अगर बात करें आ जाइए, ठीक है, आ जाइए, तो इसको हम लोग कम प्लेस कह सकते हैं, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो आज के लिए बस इतना ही, आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर बताएं, और जो हमारे चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, घर पे ही रहिए, सुरक्षित रहिए जब तक ये लॉकडाउन खत्म नहीं होता, ठीक है, मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत, नमस्कार।